बच्चों आप देख सकते हो आज क्या कवर करने वाले अंडरग्राउंड केबल वन ठीक है इसका मतलब ये नहीं है एक केबल कवर करेंगे इसका मतलब ठीक है का आज, कवर करेंगे. आज हम ये देखेंगे की यूजी केबल्स यूजी केबल्स किस तरह से काम करती है यूजी केबल का कंस्ट्रक्शन क्या होता है और यूजी केबल का यूज क्या होता है तो बहुत इंटरेस्टिंग बहुत ग्राफिकल लेक्चर जाने वाला है एंड यू आर गोइंग टू लर्न अलॉट आप लोग काफी कुछ सीखने वाले हो काफी एंजॉय करने वाले गारंटी तो बच्चों ने क्या क्या कवर कर दिया है हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स कवर किए ट्रांसमिशन लाइन के मॉडल कवर किए सर्जेस कवर किए वोल्टेज कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कवर किया है यानी मेनली बच्चों मैंने अभी तक आप लोगों से बात किए ओवर हेड लाइन्स को लेकर के अब हम दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करने वाले हैं दैट इज द अंडरग्राउंड केबल पावर चाहे तो टावर वाली लाइन से भी जा सकती है और चाहे तो नीचे ग्राउंड के नीचे वाली केबल यानी यूजी केबल से भी जा सकती है और उसी के रिगार्डिंग आज हमारा डिस्कशन होने वाला है तो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ माई डियर फ्रेंड माई नेम इज अंकित गोयल आई गॉट आई आर वन टू इन गेट इन ट्वेंटी आई वॉज अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल इन दर ट्वेंटी थर्टीन

कि मेरी YouTube फैमिली ये मेरे YouTube वाले बच्चे इस बार टॉप हंड्रेड रैंक फोड़ने वाले हैं दैट इज ड्रीम और ये ड्रीम बेटा आपको साकार करके दिखाना है ये ड्रीम बेटा आपको पूरा करके दिखाना है हर हालत में कि आप लोग इस बार गेट के अंदर आग लगा देने वाले हो गेट 2021 इज गोइंग टू बी आर्स एंड फॉर दैट ड्रीम फॉर दैट ड्रीम वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक वी आर वर्किंग 24/7 तो बेटा इस ड्रीम को साकार करने के लिए हम लोग तो लग गए हैं अब आपका सपोर्ट लगेगा आप लोग भी लग जाइए टाइम बहुत कम रह गया है लेकिन एकदम टॉप रैंक निकाल के दिखाएंगे इस बार ठीक है अब देखो यार अगर आपको मेरा कंटेंट मेरी क्लास पसंद आती है तो मैंने अपनी क्लासेस की ना एक रिपोजिटरी बना दी है ये वो क्लासेस हैं जो मैंने अन अकेडमी पे फ्री क्लासेस ली हैं और बेटा इसके अंदर बहुत बेहतरीन टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जैसे एनालॉग में बात करो तो बीजेटी मॉस्फेट पावर सिस्टम में बात करो तो टीएनडी स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन मशीन्स के अंदर बात करो सिंक्रोनस मशीन्स ठीक है तो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बेहतरीन कवर किया और यहाँ ना आपको बहुत सारी क्वेश्चन सीरीज मिल जाएंगी नेटवर्क की क्वेश्चन सीरीज है सिग्नल की है प्रीवियस ईयर है मशीन पावर सिस्टम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तो इतना सारा कंटेंट आपको इस यू पे मिल जाएगा तो ये यू विजिट जरूर करना लेकिन इसका कोई भी लेक्चर प्ले करने के लिए यू नीड टू हैव अन अकेडमी लर्निंग ऐप और अन अकेडमी लर्निंग ऐप बेटा इसलिए भी जरूरी है वहां इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेस ले रहे हैं फ्री क्विजेस ले रहे हैं फ्री टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो इतना सब कुछ जब बेटा फ्री मिल रहा है ना तो बिल्कुल चांस मिस मत करो एकदम लग जाओ मेहनत में और डाउनलोड कर लो अन अकेडमी लर्निंग ऐप आज ही और अभी अपने फोन के अंदर और देखो हम ला रहे हैं इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक मेरे भाई सर ये वीडियो बुक क्या होता है बेटा इसके अंदर सारे क्लास नोट्स आज तक जितना इस चैनल में पढ़ाया गया है उसके नोट्स उसके लेक्चर सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज आपको अरेंज मिलने वाले हैं तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारे मिलेंगे और उनके पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे तो बेटा आपको अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ एक यूआरएल पे जाओ जो सब्जेक्ट आपको कमजोर लग रहा है जिस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है उसे तुरंत तुरंत निपटाओ और गेट में बढ़िया से बढ़िया रैंक लेकर के आओ नथिंग कैन बी बेटर देन दिस वीडियो बुक दैट वी हैव क्रिएटेड स्लैश गेट लाइव अब देखो यार अगर अन अकेडमी ज्वाइन करते हो या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वॉट यू गेट यू गेट लाइव क्लासेस ऑफ ऑल द टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री यू गेट डाउट क्लियरिंग सेशन बाय द टॉप एजुकेटर्स ट डेली प्रैक्टिस पेपर यू गेट वीकली क्विजेस यू गेट टेस्ट सीरीज यू गेट प्रैक्टिस क्वेश्चन तो बेटा इतना कुछ मिल जाता है ना एक इकलौते सब्सक्रिप्शन के अंदर कि सारी चीजें आपको एक जगह दे दी जाती हैं जितनी चीजें रैंक लाने के लिए चाहिए ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स से लेके क्रैश कोर्स से होते हुए टेस्ट सीरीज तक सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिलेगा यू डोंट हैव टू पे इवन एक्स्ट्रा फॉर एनी इनिशिएटिव आपने एक बार पेमेंट कर दिया अब जितने इनिशिएटिव बेटा आते जाएंगे ना आपके सब्सक्रिप्शन में एड होते जाएंगे आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता तो आप जिस टीचर से चाहो जिस बैच में चाहो जिस तरह का कोर्स चाहो वो आप पढ़ सकते हो तो आपके पास बेटा चॉइस होती है आपके पास एक फ्रीडम होती है एंड दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी ठीक है तो अन अकेडमी हैज डेमोक्रेटाइज एजुकेशन एंड इज ट्रूली आर रेवल्यूशनिक्लस का बड़ा देंगे ही देंगे साथ में हम बेटा एक जासूस एक पर्सनल कोच ये ना आपको ना चाहते हुए भी पढ़ाएगा आप चाहो ना चाहो बेटा आपको लगातार पुश किया जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में चलो आप लगातार मेहनत करो और आप कुछ बनो है ना तो जो कहते हैं ना पेरेंट्स को ये रहता है कि कोई एकदम गाइड कर दे हमारे बच्चे पे ध्यान दे दे वो ये पर्सनल कोच है ये आपका ना हर टेस्ट देख करके आपको बताएगा क्या आपका मिसिंग पॉइंट है क्या आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कैसे अपनी वीकनेस को ओवरकम करना है आपका एक शेड्यूल बनवा देगा दैट इज द स्टडी प्लानर एवरी टू वीक्स आपके साथ कॉल करके डिस्कस करेगा ताकि आपका मोटिवेशन डाउन ना हो और बेटा देखो स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे इसके अलावा यहां पे इंटरव्यू गाइडेंस भी बहुत जल्द ऐड होने वाला है तो कुछ नहीं करना जब जब का सब्सक्रिप्शन लोगे तो बस कोड लगा देना अंकित ए सी ये कोड ये बताता है दैट यू यू आर विद मी मी सपोर्ट और ये कोड आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है आपको इमीजिएट बेटा टेन परसेंट डिस्काउंट देगा साथ साथ मेरी गाइडेंस में जब आप तैयारी करोगे ये कोड लगाने से जब मेरी गाइडेंस में तैयारी करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस ला पाओगे ठीक है ये सारी बातें क्लियर है सबको चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं अबाउट अंडरग्राउंड केबल्स ठीक है अगर आप सभी लोग रेडी हो मेरे भाई तो चैट में या कमेंट बॉक्स में लिख दो लेट्स क्रैकेट तो सब लोग लिख दें एक बार लेट्स क्रैकेट जब आप लेट्स क्रैकेट लिख देते हो ना तो यहां बेटा एकदम एनर्जी फुल हो जाती है एकदम एनर्जी हाई हो जाती है और जैसे ही एनर्जी हाई होती है तो ताबड़ तोड़ कॉन्सेप्ट निकलते हैं और आप लोग जानते हो बेटा मेरे लेक्चर का पैटर्न जितना भी आज पढ़ाऊंगा उस पे बेस्ड लास्ट में क्या होता है क्विज तो लास्ट में हम लोग रखते हैं क्विज टाइम उसके लिए रेडी रहना और उसके लिए पूरा लेक्चर आपको सुनना पड़ेगा मेरे भाई चलिए अब देखो यार अंडरग्राउंड केबल क्या होती है और कहां यूज होती है कई बार देखो क्या होता है जैसे मान लो एक वाटर बॉडी आ गई या बहुत क्राउडेड एरिया है बहुत क्राउडेड कोई मार्केट है कोई एरिया है वहां आपके लिए हो सकता है टावर्स कंस्ट्रक्ट करने पॉसिबल ना हो है ना बहुत क्राउडेड एरिया में यार अगर आप वायर वायर लटका दोगे टावर्स पे तो कई बार जान मान की हानि होने का खतरा रहता है कि किसी को झटका ना लग जाए किसी को शॉक ना लग जाए कोई वायर टूट के गिर गई तो कहीं किसी ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजर ना हो जाए तो ये सभी रिस्क को देखते हुए वहां पे अंडरग्राउंड केबल बेहतर होती है क्योंकि एक बार जमीन के नीचे बिछा दिया तो वो बिछी रहेगी अब कोई दिक्कत नहीं है अब कितने ही लोग आए जाए उसके ऊपर से कितना ही वो एरिया क्राउडेड हो नो बडी विल बी एबल टू सी दैट एंड नो बडी विल बी एबल टू हार्म है ना तो ना तो किसी को वायर से खतरा है ना वायर को किसी से खतरा है बेटा बराबर का खतरा होता है ये मत सोचना कि वायर से इंसान को खतरा है इंसान से वायर को भी खतरा है कई लोग उतार के भी ले जाते हैं वायर है ना तो ऐसा मत सोचना तो इसीलिए जहां कहीं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं तो ओवरहेड लाइन कई बार इम हो जाती है वहां लगाना फीजेबल नहीं होता तो उस केस में इंसुलेटेड कंडक्टर्स आर लेड अंडरग्राउंड इंसुलेटेड वायर्स को ग्राउंड के नीचे बिछा देते हैं जिन्हें कहा जाता है यूजी केबल यूजी केबल लेकिन बेटा देखो जो लाइन टावर पे ऊपर टंगी है उसमें जो भी हीट बनेगी वो इजीली टेम्परेचर में सॉरी वो इजीली एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाएगी अब जो केबल जमीन के नीचे चली गई अब उसकी हीट कहाँ जाएगी उसकी हीट तो एटमॉस्फेयर में नहीं जा सकती वो जमीन के नीचे है तो बेटा इसीलिए केबल्स के अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन क्राइटेरिया होता है टेम्परेचर राइज यानी कि इसका टेम्परेचर हम लोग बहुत ज्यादा राइज नहीं होने दे सकते अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो दिस केबल विल गेट डैमेज तो दैट इज नॉट अलाउड दैट वी कैन नेवर अलाउ कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाए बेटा इसीलिए इसीलिए आपके लिए मेन डिजाइन कंस्टेंट हमेशा क्या रहेगा दैट विल बी देशर राइज ठीक है चलो अब बात है एडवांटेजेस क्या होती है भाई केबल क्यों यूज करें एक तो मैंने रीजन आपको बताई दिया डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या वाटर बॉडी में अगर टावर कंस्ट्रक्ट करना नहीं है देन वी वुड गो फॉर इज द यूजी केबल ठीक है ये मैं सोचना सर ये यूजी केबल क्या अंडरग्राउंड को यूजी बोल दिया है तो बेटा सबसे पहला रीजन तो है जहां डिफिकल्ट टेरेन है डिफिकल्ट टेरेन माने जहां टावर कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है वहां यूजी केबल इज मोर बेनिफिशियल दूसरी बात दे आर मोर एक्सपेंसिव देन ओवरहेड लाइंस दे आर मोर एक्सपेंसिव क्योंकि बेटा देखो आप यहां पे देख पा रहे होगे कि यार वायर के अंदर ना काफी चीजें हैं जैसे अभी मैं आपको लेयर्स समझाऊंगा ये अलग-अलग लेयर लगा करके एक वायर बेटा आपकी बनती है तो दैट इज नॉट एन इजी थिंग टू डू दैट इज नॉट एट ऑल एन इजी थिंग टू डू मैं आपको इसकी एक एक लेयर समझाऊंगा डोंट वरी अबाउट इट बट इतनी सारी लेयर्स लगाने से कॉस्ट तो बढ़ेगा मेरे भाई कॉस्ट तो बढ़ेगा फिर क्या है बट इसके अंदर ज्यादा सेफ्टी होती है लेस इंटरफेरेंस होता है और बेटर आउटलुक होता है बेटर आउटलुक का मतलब है देखने में बेहतर लगता है यार आप देखो जब मैं दिल्ली रहता था तो कभी कभी ना मैं पुरानी दिल्ली चढ़ाता था, था चावड़ी बाजार चांदनी चौक और यार वहां तारों का ऐसा जमघट लगता है ना मतलब समझ नहीं आता यह हमारा पावर सिस्टम है या किसी ने तारों की रंगोली बना रखी है आप लोग सोचोगे सर ये चीज क्या है मतलब ये चल क्या रहा है कोई वायर इधर जा रही है कोई उधर जा रही है लटकी हुई है मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है और थोड़ी वायर बढ़ गई ना तो जमीन तक आ जाएंगी वो यार तो वो इतना रिस्की हो जाता है ना और वो इतना डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वहां इतना ज्यादा क्राउड है और तब ऐसी हालत है तो बेटा ऐसा देख करके ना मतलब देख करके इच्छा खत्म हो जाती है वहां पे देख करके लगता है अरे कहाँ आ गए मतलब कैसी जगह में आके खड़े हो गए हैं वहां वही सरवाइव कर सकता है जो पुरानी दिल्ली को बिलोंग करता है जो ओल्ड दिल्ली को बिलोंग करता है वहां पे सालों से रहता है देल एंजॉय एंजॉय द साइट के भाई सुबह सुबह उठ के बालकनी में निकले और क्या दिख रहा है तार 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 ऐसा दिख रहा है तो एंजॉय दैट व्यू लेकिन अगर आप बाहर से जा रहे हो तो आपको लगेगा अरे भैया ये कहाँ पहुंच गया यहाँ क्यों आ गया मैं तो इसीलिए बेटा ये बेटर आउटलुक देता है यानी एकदम साफ सफाई रहती है देखो जब कंस्ट्रक्शन होगी ना जब तो लोग बहुत गाली देंगे अरे यार सड़क खोद के डाल दिए चल क्या रहा है है ना हाय दिन देखो खुदाई कर देते हैं कहीं भी कहीं भी वायर बिछाने लगते हैं मतलब बेवकूफी मचा रखी है कुछ भी है बट एक बार जब वो पूरा हो जाता है ना यार काम तो इट गिव्स अ मच बेटर आउटलुक एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन लेकिन देखो यहां भी इंडिया में बड़ी समस्या है क्या समस्या है कि कोई प्रोजेक्ट निकलेगा मान लो अंडरग्राउंड केबल डल रही है तो भैया खोदने में टाइम नहीं लगाएंगे है ना एकदम बढ़िया तरीके से डिग करके पूरी जगह बना लेंगे वायर की वायर भी डल गई अब उसे बंद करने की जिम्मेदारी इन लोगों की नहीं है उसे बंद नहीं करेंगे बंद करेंगे तो कई दिन बात करेंगे उसमें बारिश का पानी भरेगा कीचड़ बनेगी सब कुछ होगा और फिर बंद करके बेटा जो सड़क तोड़ी है वो दोबारा बनाएंगे नहीं वो दोबारा नहीं बनाएंगे बस मिट्टी मिट्टी भर करके चले जाएंगे इसीलिए पब्लिक ज्यादा गाली भी देती है है ना क्योंकि काम पूरा प्रॉपर वे में नहीं होता जब तक इलेक्शन ना आए जब तक काम प्रॉपर वे में नहीं हो सकता भारत में तो अंडरग्राउंड केबल बेटर आउटलुक देती है अगर काम तरीके से किया जाए है ना काम तरीके से नहीं करोगे तो ज्यादा परेशान करेगी ओवर हेड के मुकाबले तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए हो गए यूजी केबल और ओवर हेड लाइन में क्या मेजर डिफरेंसेज आते हैं चलो फिर तो कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं यार देखो कंस्ट्रक्शन में आप देखो सबसे पहले आता है कंडक्टर यहां तीन कंडक्टर है जिनको आप थ्री फेस की तरह यूज कर सकते हो सिंगल कंडक्टर वाली केबल भी होती है थ्री कंडक्टर वाली भी देखो यहां पे दिखाता हूं देखो ये ये सिंगल कंडक्टर वाली है ना देखो ये तो सिंगल कंडक्टर या सिंगल कोर कह देते हैं और देखो इसके अंदर तीन कंडक्टर हैं और बेटा आप ये देख पा रहे हो ये कंडक्टर भी स्ट्रैंडेड है अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा इसमें जो कंडक्टर यूज हुआ है दैट इज अ स्टैंडर्ड कंडक्टर तो ये तीन कंडक्टर आ गए अब कंडक्टर के ऊपर है इंसुलेशन देखो ये इंसुलेशन येरी बेटा आपकी इंसुलेशन ठीक है अब इंसुलेशन के ऊपर आती है भाई मेटालिक शीत जो यहां पे लेड शीत लिखा है ना लेड से बनी है दैट इज मेटालिक शीत फिर आती है बेडिंग तो देखो यार ये आपके कंडक्टर हो गए ये शीत हो गई और ये जो ब्लैक है ये क्या हो गई बेडिंग फिर बेडिंग के बाद आप लेयर देखोगे आर्मरिंग आर्मरिंग दिख रहा है ये मेटल से बनी होती है ये सरिए सरिए से जो है देखो यहां पे, ये आर्मरिंग ये नजर आ रहा है ये वाली लेयर है आर्मरिंग और इसके ऊपर फिर ये काले रंग का टेप चढ़ा हुआ है फिर ये काले रंग का मटेरियल लगा है तो सर्विंग, सर्विंग। तो बेटा ये लेयर्स जो है ना आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पता होनी चाहिए कंडक्टर इंसुलेशन फिर इसके बाद क्या शीत फिर बेडिंग फिर आर्मरिंग और फिर सर्विंग ये इस ऑर्डर में लेयर्स चलती हैं। क्योंकि यार इनकी कहानी भी आपस में रिलेटेड है तो अगर आपको ऑर्डर याद रहेगा तभी आप इसकी कहानी भी समझ पाओगे तो कंडक्टर तो समझ आता है भैया करंट कैरी करने के काम में आएगा और किस काम का है कंडक्टर बट बाकी की लेयर्स पे बात करते हैं तो पहला इंसुलेशन अब यार देखो अंडरग्राउंड केबल आप समझ रहे हो कि ये ग्राउंड के अंडर है ग्राउंड के नीचे है तो बेटा इससे करंट लीक होने का चांस बहुत ज्यादा है ग्राउंड में ऐसा हो सकता है कि कंडक्टर से चलते चलते करंट दे करंट ऐसे जा रहा हो और ये ऐसे निकल के ग्राउंड में चला जाए तो दैट इज योर लीकेज करंट ठीक है तो ऐसा हो सकता है करंट लीक कर जाए तो उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है इंसुलेशन तो इंसुलेशन प्रिवेंट द करेंट लीकिंग फ्रॉम द कंडक्टर टू द ग्राउंड अब इंसुलेशन मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऐसा इसलिए क्योंकि बेटा अगर आर की वैल्यू हाई होगी तो आई लीकेज विल बी लो लीकेज करंट कम होने वाला है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो यह होगा नो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के लिए तो बेटा देखो क्या होता है ना हाई डाइल स्ट्रेंथ माने कि ये हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को झेल पाए जब इसके अंदर आप हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करोगे देखो आप जानते हो ट्रांसमिशन इज ऑलवेज डन एट हाई वोल्टेज टू मिनिमाइज द लॉसेस तो जब हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करोगे हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई होगी बट आई डोंट वॉन्ट इट टू गेट डैमेज मैं ये नहीं चाहता कि मेरा इंसुलेशन बेटा डैमेज हो जाए उसके लिए इसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए नॉन हाइग्रोस्कोपिक इसका मतलब है है डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर मॉइस्चर क्यों बेटा क्योंकि या कंडक्टिंग अगर हाइग्रोस्कोपिकॉटर आपका इंसुलेटर के अंदर घुस गया तो इंसुलेटर भी क्या हो जाएगा कंडक्टिंग अगर इंसुलेटर कंडक्ट करने लग गया तो उसका पर्पज लूज हो जाएगा उसका जो बेसिक काम है वही खत्म हो जाएगा तो इट डज नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज फ्री फ्रॉम इंप्योरिटीज क्योंकि बेटा देखो जैसे डोपिंग होती है किसी भी सेमी कंडक्टर में तो डोपिंग माने इम्प्योरिटी होता है ना तो इम्प्योरिटी एड करने से मटीरियल की कंडक्टिविटी बदल जाती है ऐसे इंसुलेटर में अगर इम्प्योरिटी आएगी तो वो उतना बेहतर इंसुलेटर नहीं रह पाएगा इट वॉन्ट बी अ गुड इंसुलेटर तो दैट इज वाई फ्री फ्राम इंप्योरिटी इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली इनएक्टिव यार देखो अर्थ के नीचे बहुत सारे केमिकल मिल सकते हैं केबल को तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा इंसुलेशन केमिकल से रिएक्ट करके डैमेज हो जाए डिग्रेड हो जाए और करंट लीक करने लगे तो मैं ये चाहता हूँ देखो यार सीधी सी बात है एक बार आपने ग्राउंड के नीचे केबल बिछा दी तो आप रोज रोज खुदाई करके उसको रिपेयर नहीं कर सकते तो आप ये चाहोगे भले ही केबल महंगी है बट चले लंबा है ना देखो क्या होता है जब कभी हम कोई ब्रांडेड क्लोथ खरीद के लाते हैं मैं एवरेज मिडिल क्लास बच्चों की बात कर रहा हूँ जिस तरह की फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ तो यार जब कोई ब्रांडेड कपड़ा महंगा कपड़ा खरीद के लाते हैं ना तो माइंड के ऊपर एक प्रेशर होता है यार इसको लंबा चलाना पड़ेगा क्योंकि भैया इसमें पैसा ज्यादा लग गया है है ना सेम चीज है जब केबल में हाई इन्वेस्टमेंट है तो हम ये जरूर चाहेंगे दैट इट गोज ऑन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो जल्दी खराब ना हो मेरे भाई ऐसा हम चाहेंगे और अगर आप ऐसा सच में चाहते हो तो वो ना तो केमिकली किसी से रिएक्ट करे ना तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे ना उसमें इम्प्योरिटीज हो तो ये सारी क्वालिटीज होना जरूरी है और कौन कौन से एग्जाम्पल यूज हो सकते हैं वल्केनाइज रबर पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी होता न, पी है ना पीवीसी पाइप आता है इमप्रेग्नेटेड पेपर और एक्सएल पी एक्सएल क्या है सर ये है बेटा क्रॉस लिंक्ड पॉली एक्स का मतलब होता है क्रॉस एल का मतलब लिंक्ड पीई का मतलब पॉली ठीक है सो दल पीई तो ये सारे इंसुलेटर्स का आप यूज कर सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट अ यूजी केबल समझ आया अब अगली लेयर बताओ जल्दी से चैट के अंदर अगली लेयर कौन सी आती है इंसुलेटर के ऊपर कौन सी लेयर होती है जल्दी से लिख दो यार चैट के अंदर लिख दो सारे लोग चैट या कमेंट में लिख दो कौन सी अगली लेयर आती है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे बच्चों अगली लेयर आती है शीत अगली लेयर आती है शीत अब देखो शीत का सिंपल सा परपज है मेरे भाई इंसुलेशन के ऊपर शीत लगती है ताकि इंसुलेटर को प्रोटेक्ट करे हमेशा एक बेसिक सा प्रिंसिपल बना लो केबल में एक लेयर अपने से अंदर वाली लेयर की रक्षा करती है सुरक्षा करती है तो शीत प्रोटेक्ट द इंसुलेशन लेकिन किससे मॉइस्चर से बेटा अर्थ के नीचे मैंने बताया आपको मॉइस्चर बहुत सारा होता है तो ये मॉइस्चर इंसुलेटर तक ना पहुंचने पाए ये जिम्मेदारी किसे दी गई है शीत को ये मेटल की बनी है इट विल नॉट लेट द मॉइस्चर पास ऑन टू द इंसुलेटर और ये किससे बनती है एल्यूमिनियम या लेड से अब इसके अगली लेयर आपको समझ आ गई होगी नीचे लिखा है बेडिंग बेडिंग अब बेडिंग किसे बचाएगी शीत को हमेशा बाहर वाली लेयर अंदर वाली लेयर को प्रोटेक्ट करती है तो बेडिंग शीत को किससे बचाती है से, केमिकल से। क्योंकि देखो मेटल है अगर मेटल केमिकल से बेटा रिएक्ट कर गया तो डिग्रेड हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो कौन बचाता है वो कौन बचाता है आपका बेडिंग और ये बनती है फाइब्रस मटेरियल जैसे जूट वगैरह मटेरियल होते हैं ना फाइबरस का मतलब है जिसमें रेशे देखे जाते हैं जिसके अंदर वो छोटे छोटे पतले पतले बाल नहीं निकले होते उसे फाइबरस मटेरियल कहते हैं फाइबर की उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज द बेडिंग बेडिंग तो बचाती है अंदर वाली शीत को किसी भी केमिकल अटैक या मॉइस्चर से ठीक है अब इसके बाद कौन सी लेयर आती है भाई जल्दी से फिर से चैट के अंदर बता दो मेरे भाई अगली लेयर कौन सी आने वाली है तो अगली लेयर कौन सी आने वाली है मेरे कुछ बच्चे जरूर सही आंसर करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है बिल्कुल 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 अगली लेयर आ रही है आर्मरिंग आर्मर क्या होता है यार आर्मर होता है कवच आर्मर होता है कवच जो कि आपकी रक्षा करने के लिए होता है सेम वे में केबल की रक्षा करने के लिए लेयर लगती है आर्मरिंग क्यों भैया अब देखो केबल बिछाने वाले केबल ट्रक में ले जाने वाले ये लोग होते हैं देहाती है ना इन्हें कुछ आइडिया नहीं करके आ रहे हैं अब बेटा अगर इनकी लापरवाही से मेरी केबल डैमेज हो गई तो इतनी महंगी केबल बनती है इस तरह का नुकसान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते समझ रहे हो ना इस तरह का लॉस वी कान टॉलरेट इसीलिए इसके अंदर आर्मरिंग दिया जाता है ताकि जब केबल को ट्रांसपोर्ट करो या केबल को बिछाओ तो उसके अंदर कोई मैकेनिकल डैमेज ना आ पाए केबल कहीं से भी टूट ना जाए कहीं से भी डैमेज ना हो जाए दैट इज द रोल ऑफ आर्मरिंग और ये किस तरह से बनती है बाय मीन ऑफ अ क्लियर चलो भाई अब लास्ट है फ्रॉम एनी मॉइस्चर फ्रॉम एनी केमिकल अटैक बिकॉज इट इज आल्सो मेटल और ये भी बनती है फाइब्रस मटेरियल से फाइबर मटेरियल से ही ये भी बनाई जाती है तो जैसे बेटा बेडिंग शीट को प्रोटेक्ट करती है ना सेम वे में सर्विंग प्रोटेक्ट करती है आर्मरिंग को तो ये सारी लेयर्स का नाम मटेरियल, पर्पस ये आपको पता होना चाहिए एक नंबर का सवाल आ सकता है बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत इजीली वन मार्क क्वेश्चन बेटा मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस सब के बारे में ठीक है आगे चले चलो अच्छा चलो एक चीज और बताता हूं यहां पे ना एक प्रॉपर्टी और आप जोड़ सकते हो ट्रक माई माइंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी आप कहोगे सर क्यों यार देखो जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है ना उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी है तो इंसुलेटर की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए ताकि ज्यादातर हीट बाहर जा रही है और यहाँ लो परमिटिविटी। देखो हाई परमिटिविटी अगर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलन नीचे आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर में आप कहते हो ना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप यह कह सकते हो कंडक्टर की परमिटिविटी इनफाइनाइट है तो बेटा इसीलिए जब इंसुलेटर की बात कर रहे हो तो उसकी परमिटिविटी लो होगी कंडक्टर के अंदर दोबारे सुन लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी उसका एप्सिलन क्या लिया जाएगा मेरे भाई इनफाइनाइट तो एप्सिलन वुड बी इनफाइनाइट बट इसीलिए आपको लो परमिटिविटी बोलना होगा फॉर इंसुलेटर चलो अब यूजी केबल वर्सेस ओवरहेड लाइन तो भैया देखो ओवरहेड लाइन में भी इंसुलेटर लगता है लेकिन वायर और टावर के बीच में वायर और टावर के बीच में और यूजी केबल में कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की लेयर आती है ठीक है ओवरहेड लाइन में लगेगा कंडक्टर टावर के बीच में यूजी केबल में कंडक्टर के सरफेस पे इंसुलेशन की कोटिंग आएगी यूजी केबल और ओवरहेड लाइन में कंडक्टर का रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है तो जीएमआर सेम रहेगा जीएमआर क्या होता है भूल गए क्या भाई पहली यूनिट से तो ये होता है पॉइंट सेवन सेवन एट एट आर दैट इज जीएमआर तो ये तो सेम रहेगा लेकिन यार देखो यहाँ पे जो तीन कंडक्टर हैं एक बार ध्यान देना ये कंडक्टर बहुत पास पास नहीं आ गए तीन कंडक्टर तो कंडक्टर्स के बीच का गैप बहुत कम हो गया जब एक ही केबल में तीनों कंडक्टर आ गए तो हमने ये बोला डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर इन यूजी केबल इज ओवरहेड लाइन और डिस्टेंस से क्या निकलता है भाई जीएमडी डिस्टेंस से निकलता है तो बेटा जीएमडी बहुत कम होगा जीएमडी बहुत कम होगा तो आप ये समझ सकते हो जीएमआर तो सेम होता है यूजी और ओवरहेड का और लेकिन जीएमडी हमारा कम हो जाता है यूजी केबल में क्योंकि यहां एक ही केबल में तीनों वायर हैं तो उन तीनों वायर में बहुत ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस नहीं रख सकते ज्यादा डिस्टेंस रखोगे मान लो इतनी मोटी आपकी यार केबल बन गई समझो इतनी मोटी केबल बन गई अब भैया इसे बिछाएगा कौन बताओ इसको ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे इतनी मोटी केबल को केबल अगर इतनी पतली है तो इसको तो वाइंड किया जा सकता है बॉबल पे है ना बॉबल पे आप इसको लपेट सकते हो लेकिन इतनी मोटी केबल को किसी का बाप भी लपेट नहीं सकता तो इसी वजह से आपको केबल का डायमीटर कम रखना है केबल बहुत ज्यादा वाइड नहीं हो सकती उसके लिए कंडक्टर्स के बीच का गैपिंग कम रखना पड़ेगा अब यार देखो अगर जीएमडी कम हो गया तो इंडक्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि इंडक्टेंस क्या होती है सर म्यू नॉट बाय टू पाई एल एन जीएमडी बाय आर डैश जीएमडी अगर कम हो गया तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी क्यों सर समझ गए इसमें डिनोमिनेटर में आता है लॉग ऑफ जीएमडी बाय आर इसमें न्यूमरेटर में आता है तो जीएमडी बढ़ेगा न्यूमरेटर बढ़ेगा लॉग बढ़ेगा इंडक्टेंस बढ़ेगा जीएमडी बढ़ेगा न्यूमरेटर बढ़ेगा लॉग बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस कम होगा अब सर जम्पिडेंस अंडर रूट एल उट सी ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई मैंने बताया था ना सर्जेस में कि यूजी केबल का ऑलमोस्ट फोर्टी ओम होता है और ओवरहेड लाइन का ऑलमोस्ट फोर हंड्रेड ओम होता है एस आई एल इज मोर क्योंकि वी स्क्वायर बाय जेड एस अगर बेटा जेड एस कम होगा तो एस आई एल ज्यादा होगा जेड एस अगर कम होगा तो एस आई एल ज्यादा होगा अब अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो लाइन चार्जिंग करंट भी ज्यादा होगा क्योंकि लाइन चार्जिंग करंट होता है ओमेगा सीपीएच वीपीएच तो अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली लाइन चार्जिंग करंट विल आल्सो बी हायर इट विल आल्सो बी हायर तो यही पॉइंट्स होते हैं मेजर डिफरेंसेस बिटवीन यूजी केबल एंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन तो ओवरहेड लाइन वो है जो आप अब तक पढ़ते हो और केबल वो है जो अभी हम देख रहे हैं अब अगले टॉपिक पे आते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट जैसे इफेक्ट पढ़ा था ना, वैसे ही डिटेल में देखेंगे आप अब देखो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या कहता है कि भैया जब कभी दो कंडक्टर पास रखे जाते हैं तो उनके एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को अफेक्ट करता है जब दो कंडक्टर पास रखे हैं तो वन मैग्नेटिक फील्ड विल अदर कंडक्टर जिस वजह से उसका करेंट डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाया करता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रोक्सीमिटी इफेक्ट करेंट डिस्ट्रीब्यूशन का बदलना जैसे स्किन इफेक्ट में भी आपने क्या बोला था अगर आपको याद हो यार मैंने स्किन इफेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि स्किन इफेक्ट के अंदर बेटा एडी करेंट्स आ जाने की वजह से करंट ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड था कंडक्टर के सरफेस पे एडी करंट किससे आए थे मैग्नेटिक फील्ड से लेकिन वहां एक ही कंडक्टर था उसी की मैग्नेटिक फील्ड थी उसी का एडी करंट था और उसी का करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो रहा था यहां कहानी कुछ अलग है यहां दो कंडक्टर हैं एक के मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे का करंट अगर बदले तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट प्रॉक्सिमिटी क्यों बोला क्योंकि ये तभी लगेगा जब दो कंडक्टर आसपास रखे हैं दे आर प्लेस्ड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर तो आइए समझते हैं क्या होगा देखो यार ये दो कंडक्टर हैं मान लो ये करंट कैरी कर रहे हैं ये जो मोटे वाला एरो दिख रहा है ना ये करंट डायरेक्शन है अब यार अगर करंट अंदर जा रहा है ध्यान देना अगर करंट इसमें अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी तो ये दिखा रखी ब्लू एरो ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अब इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इस वाले कंडक्टर में प्रोड्यूस होंगे एडी करेंट प्रोड्यूस होंगे भैया एडी करंट तो अगर आप देख पा रहे हो मेरे भाई तो यहां एडी करेंट बना रखा है इस टाइप से मेरे ख्याल से अब बेहतर विजिबल होगा ये एडी करेंट है सर ये एडी करंट की डायरेक्शन कैसे ली बेटा देखो अगर ये ऐसे घूम रहा है एडी करेंट तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है ना यानी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी वो डाउनवर्ड थी एडी करेंट ऐसे बने जो उसे अपोज करें तो अगर ये डाउनवर्ड है तो एडी करेंट की मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है इसे काटने के लिए आ रही है तो ये एडी करेंट बन गए यानी एडी करेंट देखो इस तरफ से बाहर आ रहा है ये रहा छोटा सा एरो और इस तरफ से अंदर जा रहा है अब अंदर अंदर वाले बेटा एड हो जाएंगे अंदर और बाहर वाला एरो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे फिर से समझना मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आई एडी करेंट ऐसे बने जो कि इसे अपोज करें यानी एडी करेंट ये लेफ्ट वाली साइड से बाहर आ रहे हैं राइट right वाली साइड से अंदर जा रहे हैं अब यार अगर ये मेन करंट भी अंदर है और एडी करंट भी अंदर है तो एड हो गया मेन करंट अंदर है एडी करंट बाहर की तरफ है सब्ट्रैक्ट हो गया यानी कि जो बाहर वाला एज है ये वाला जो एज है यहां मेन करंट और एडी करंट ऐड होते हैं और ये जो अंदर वाला एज है यहां मेन करेंट और एडी करेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो जहां करेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है करेंट विल रिड्यूस और जहां करेंट एड हो रहा है करेंट विल इंक्रीज इसीलिए देखो ज्यादातर करंट आउटर एरिया में वो आ गया बेटा आउटर एरिया में समझ रहे हो करेंट इज मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन द आउटर रीजन दोबारे से देख लो एड हो रहे हैं बाहर की तरफ तो बाहर ही करेंट ज्यादा होगा तो आउटर एजेस में या रिमोट पार्ट में करंट ज्यादा बनेगा लेकिन ये तब है जब दोनों करंट सेम डायरेक्शन में थे मान लो दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में होते अब ऐसा मान लो कि ये वाला एरो अगर बाहर होता ऐसे फिर देखो यहां पे एडिशन होता और बेटा यहां पे आपका सब होता अगर मैं ये मोटे वाला एरो पलट दू तो अंदर की तरफ एडिशन बाहर की तरफ सब्ट्रैक्शन तब आपका ये वाला केस बन जाएगा अंदर अगर एड हो रहे हैं तो अंदर करेंट ज्यादा होगा ना तो देखो अंदर की तरफ करेंट डेंसिटी ज्यादा है तो ये कब है वेन करेंट आर ऑपोजिट आप कहोगे सर अपोजिट का क्या मतलब है अपोजिट का मतलब ये है ये वाला करंट अंदर है और बेटा ये वाला करंट बाहर है तो एक कंडक्टर अगर अंदर करंट कर रहा है तो एक बाहर कैरी करे दैट इज अपोजिट दोनों अंदर कैरी करें तो ये वाला केस बनता है यानी ये केस का बनता है। डायरेक्शन लेकिन बेसिकली दोनों में हो क्या रहा है कि करंट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है करंट किसी पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा कंसंट्रेट हो गया है दैट इज द इंपैक्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और आप जानते हो यार जब करंट कम एरिया से फ्लो करता है तो रेजिस्टेंस ज्यादा बनता है रेजिस्टेंस क्यों ज्यादा बनता है रो एल बाई ए के हिसाब से अगर उसका एरिया बहुत कम है तो उसका रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगा इज दैट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स इज दैट क्लियर और नॉट जल्दी से बता दो ठीक है <coughs> तो आपको ये याद नहीं करना यार आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एरिया कम हो जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है अब बहुत सारे मेरे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर करंट तो हमेशा अपोजिट ही होंगे क्योंकि अगर एक फॉरवर्ड पाथ है तो एक रिटर्न पाथ होगा बेटा हमेशा जरूरी नहीं है जब जैसे बंडल्ड कंडक्टर आपने पढ़ा तो बंडल्ड कंडक्टर में दोनों करंट आसपास दोनों कंडक्टर आसपास रखे होते हैं और करंट भी सेम डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो वहां भी तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट आएगा तो करंट कैन बी इन द सेम डायरेक्शन करंट कैन बी इन द अपोजिट डायरेक्शन तो हमने किया क्या एक कंडक्टर से बनाई मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में निकाला एडी करंट फिर एडी करंट प्लस मेन करंट से क्या मिल गया हमें टोटल करंट तो हमने देखा करंट इज मेजरली कंसेंट्रेटेड इन वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर एंड नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज योर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट ठीक है चलो अब आते हैं भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस पे तो देखो क्या होता है यार जैसे मान लो आपकी केबल है अब आपने ना इस पे यार डीसी सप्लाई लगा लो आप कहोगे सर डीसी क्यों लगाएं यार डीसी क्यों लगाएं क्योंकि बेटा डीसी में आपका क्या होगा इंडक्टर कैपेसिटर गायब हो जाएंगे क्या बचेगा बस रेजिस्टेंस अब देखो यार ऐसे वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यह कौन सा रेजिस्टेंस है दिस इज द कोर रेजिस्टेंस लेकिन बेटा एक रेजिस्टेंस वायर से लेके ग्राउंड के बीच में भी होगा जिससे करंट लीक कर रहा है दिस रेजिस्टेंस इज बेसिकली योर दिस रेजिस्टेंस इज बेसिकली योर लीकेज रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस यह है कोर रेजिस्टेंस और यह है मेरे भाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो कोर रेजिस्टेंस उस करंट को ऑफर होता है जो वायर के अंदर फ्लो करे और इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो वायर से किस में घुस जाए ग्राउंड के अंदर चला जाए ग्राउंड के अंदर चला जाए तो हमें बात करनी है इस इंसुलेशन रेजिस्टेंस की तो देखो यार मैं आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाता हूं देखो ये जो अंदर वाला छोटा सा सर्कल है ये है मेरा कंडक्टर और बाहर बड़े सर्कल तक ये लेयर है इंसुलेशन अब हम क्या करते हैं मेरे भाई यहां पे ना एक लेयर हम बना लेते हैं एक छोटा सा फिलामेंट हम बना लेते हैं मान लो ये फिलामेंट है एक्स रेडियस का डीएक्स लीकेज करंट कैसे जाएगा मान लो ये केबल है मान लो ये केबल है इसके हर पॉइंट से ऐसे लीकेज करंट निकलेगा हर पॉइंट से लीकेज करंट निकलेगा तो लीकेज करंट बेटा एक्जियली नहीं जाता लीकेज करंट जाता है रेडियली लीकेज करंट रेडियली आउटवर्ड्स जाता है ट इज हाउ लीकेज करेंट फ्लोज तो अगर आप बेटा ये पतला सा फिलाेंट देखोगे ना और मैं कहूं मुझे इसका रेजिस्टेंस बताओ तो आप क्या करोगे आप कहोगे सर इंसुलेशन की पर, इंसुलेशन की रेजिस्टिविटी फिर लेंथ करंट की डायरेक्शन में लेंथ देखना कितनी है डीएक्स है लेंथ हमेशा बेटा करंट की डायरेक्शन में लेते हैं करंट ऐसे जा रहा है तो ये लेंथ होगी dx करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं करंट के परपेंडिकुलर एरिया लेते हैं तो भैया अगर करंट रेडियली जा रहा है जैसे मान लो अब ये मेरी वाटर बॉटल है इसको सिलेंडर मानो अगर करंट रेडियली जा रहा है करंट ऐसे जा रहा है देखो करंट ऐसे जा रहा है तो आपका परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा ये वाला होगा ना ये वाला एरिया परपेंडिकुलर होगा दिस इज योर कर्ड सरफेस एरिया दिस इज यस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा टू पाई एक्स एल जो टू पाई आर एच लिखते हो ना एच की जगह मैं एल लिखता हूं एल इज द द लेंथ ऑफ केबल तो अब डी आर क्या हो गया रो इंसुलेशन डी एक्स बाय टू पाई एक्स एल अब मैं कहता हूं यार आर इंसुलेशन अगर निकालना है तो आप इसका इंटीग्रेशन ले लो यार तो आप कहोगे ले लेते हैं सर क्या दिक्कत है तो देखो इंटीग्रेशन के ये तो बाहर ही आ गया वैरी क्या कर रहा है एक्स एक्स वैरी कर रहा है छोटे आर से लेके बड़े आर तक वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन यार लॉग एक्स तो इतना आपका रेजिस्टेंस आ गया इतना रेजिस्टेंस बेटा अगर आ गया तो मैं यही बोलूंगा कि आर इंसुलेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ठीक है अब देखो यार क्या होता है जो कोर का रेजिस्टेंस होता है जो आपका कोर का रेजिस्टेंस है ना वो ऐसा होता है क्योंकि मेटल का है ना इस टाइप से तो आर कोर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर लेकिन देखो इंसुलेशन में क्या होता है इंसुलेशन में यार जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना चार्ज कैरियर बढ़ते हैं देखो कंडक्टर के अंदर जैसे मान लो सोडियम है तो यार सोडियम वैसे भी अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा आप टेम्परेचर कम रखो ज्यादा वो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वो दे देगा बेहिचक दे देगा लेकिन इंसुलेटर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता अब यहां अगर आपने उसे गर्म कर दिया तो वो इंसुलेटर अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो चार्ज कैरियर बढ़ेंगे चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी और रजिस्टेंस कम होगा ठीक है लेकिन कंडक्टर में क्या होता है ना यार कंडक्टर में कोलिजन बढ़ जाते हैं कंडक्टर में बेटा अगर कोलिजन बढ़ जाते हैं तो टेम्परेचर के साथ कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है अब कोर का रेजिस्टेंस करंट तो तो क्या होगा कम या ज्यादा बताओ कोर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो कोर का करंट कम होगा या ज्यादा बहुत सारे बच्चे मेरे आंसर देंगे इसका जल्दी बताओ कोर का रेजिस्टेंस बढ़ गया करेंट क्या होगा कम या ज्यादा चैट और कॉमेंट बॉक्स भर दो कुछ लोगों ने बोला है सर कम होगा मैं कहता हूं मेरे भाई कॉन्स्टेंट रहेगा अब कई लोगों का मुंह खुला रह जाएगा ये कैसे बेटा ये इसलिए क्योंकि कोर में कितना करंट जाएगा ये लोड पे डिपेंड करेगा लोड की जितनी डिमांड है ना उतना करंट कंडक्टर में फ्लो करता है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लाइन पैरामीटर्स अगर आप ट्रांसमिशन लाइन वाला चैप्टर याद करो तो करंट हमेशा लोड की पावर और वोल्टेज से आता था कभी भी आर और एक्स का यूज नहीं होता था बीच में जो आर और एक्स होते हैं उनसे डिफाइन होता है दोनों एंडस का वोल्टेज ड्रॉप उससे करंट नहीं निकालते उससे हम ये निकालते हैं दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस कितना है करंट तो निकाला जाता है लोड से तो वही चीज होने वाली है तो इट डिपेंड्स ऑन द लोड इट डिपेंड्स ऑन लोड समझ आया चलो तो बच्चों देखो आज के लिए इतने ही कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे और अब टाइम आ गया है क्विज का नाउ इज द टाइम टू कंडक्ट अ क्विज और अब हम देखने वाले हैं कि किस टाइप से किस टाइप से बच्चों ने लेक्चर पे ध्यान दिया है क्या पूरा ध्यान दिया है या बीच में आते जाते रहे हैं वो इन क्वेश्चंस में क्लियर हो जाने वाला है चलो तो आर यू गाइस रेडी क्या सभी लोग तैयार हैं चैट और कमेंट बॉक्स में मेरे भाई मुझे बता दो क्या आप सब लोग तैयार हो क्विज देने के लिए और अगर तैयार हो तो चलिए शुरू किया जाए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई रीड करो विच वन हैज हायर सर्ज इंपिडेंस लोडिंग यूजी केबल या ओवर लाइन और बेटा स्क्रीन पे टाइमर चल रहा है सोच समझ के आंसर देना किसकी एस ज्यादा होती है यूजी केबल की या ओवर लाइन की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों ने चैट सेक्शन भर दिया है चैट सेक्शन भर दिया है और टाइमर जी फटने वाले हैं और ये फट गया भाई तो आंसर इज यू जी केबल हम ये जानते हैं सर्च इम्पीडेंस ऑफ यूजी इज लेस देन सर्च इंपिडेंस ऑफ ओवरहेड लाइन हैंस एस आई एल ऑफ यू जी इज मोर देन एस आई एल ऑफ ओवरहेड लाइन ठीक है चलो अगले क्वेश्चन के लिए जनता तैयार नेक्स्ट क्वेश्चन इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर ट्रू आंसर देना भैया सोच समझ के। अभी ये चीज़ बताइए। जस्ट क्वेश्चन से पहले ये चीज बताइए तो जो बच्चे मेरे साथ बाद में भी जुड़े होंगे वो लोग इस सवाल का आंसर जरूर कर पाएंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद टेम्परेचर कम ऑन एवरीबडी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बट मैं देख पा रहा हूं कि कुछ बच्चे अब भी गलत आंसर दे रहे हैं मेरे भाई ये है फॉल्स दिस वन इज फॉल्स अभी मैंने बताया ना कि चार्ज कैरियर बढ़ते हैं इंसुलेशन की रेजिस्टिविटी कम होती है तो आर इंसुलेटर कम होता चलो लास्ट क्वेश्चन एवरीबडी लास्ट क्वेश्चन हंड्रेड किलोमीटर केबल का रेजिस्टेंस है पचास ओम तो भैया पचास किलोमीटर का क्या होगा जल्दी से बता दो यार टाइमर जी चल रहे हैं बम फटने वाला है बम फटने से पहले आपको आंसर देना है कि क्या आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस होगा पचास किलोमीटर लेंथ का थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिकल है अरे वाह अरे वाह भाई बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है एंड द टाइम इज अप तो हम ये जानते हैं सर कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ तो अगर एल टू इज एल वन बाई टू तो आर टू इज बेसिकली टू आर वन दैट इज हंड्रेड मेगा ओम ठीक है तो आंसर विल बी हंड्रेड मेगा ओम समझ में आया तो दिस वॉज द क्विज फॉर दिस लेक्चर और बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे आगे की बातें करेंगे अगले वीडियो के अंदर अब देखो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो जैसा मैंने पहले भी बताया था इस यूआरएल पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी जो मैंने अब तक ली लिए एंड दे कंटेन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो जस्ट ये यू पे जाओ एंड वट यू लाइक यू कैन वॉच इट बट आपको उसके लिए लगेगा अन लर्निंग ऐप आपके फोन में तो बिल्कुल एक बार जाके विजिट जरूर करना अब इसके अलावा देखो ये है इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक मेरे भाई यहां आपको सारे वीडियो लेक्चर अलोंग विद देयर नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा लेक्चर का लिंक लेक्चर चैप्टर वाइज मिलेगा और उसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा एंड दैट इज हाउ दैट इज हाउ दिस वीडियो बुक वर्क बिट डॉट स्लैश गेट लाइव अब देखो यार अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते और अंकित ऐसी कोड लगाते तो वन ईयर का पड़ता है ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी फाइव एटीन मंथस थर्टी फोर सिक्स फिफ्टी ट्वेंटी फोर मंथ थर्टी नाइन सिक्स हंड्रेड इसमें मिलेंगे इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास ठीक है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स क्रैश कोर्स रैंक बूस्टर बैच मैराथन बैच हर तरह का बैच एक ही सब्सक्रिप्शन में तो आपको जिस बैच को अटेंड करना है जिस एजुकेटर से पढ़ना है इट इज योर चॉइस इसके अलावा मिलेंगे होमवर्क के लिए डेली प्रैक्टिस पेपर हर संडे क्विज होगा टेस्ट सीरीज मिलेगा बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा क्वेश्चन बैंक मिलेगा और सबसे बड़ी बात सारे डाउट आपके क्लियर किए जाएंगे तो बेटा सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन है और मैं ये जितने भी मेरे बच्चे सेकेंड थर्ड ईयर में बिना सोचे समझे टू ईयर का लेना क्योंकि पर मंथ कॉस्ट इसकी मिनिमम आती है सबसे ज्यादा एफोर्डेबल है टू ईयर सब्सक्रिप्शन अब इसके बाद देखो इसी का बड़ा भाई है आइकॉनिक जो प्लस के सारे बेनिफिट देता है साथ ही साथ देता है एक पर्सनल कोच जो कि आपको डे इन डे आउट गाइड करेगा काउंसिल करेगा मोटिवेट करेगा इंस्पायर करेगा और वो खुद एक रैंकर होगा तो तो वो अगर आपको तो अगर आपको बेनिफिट चाहिए ईयर का आप अंकित रैंक कर फोर्टी फाइव टू ट्वेंटी फाइव और टू ईयर का 66 -600। इसमें स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिलेगा बहुत जल्द इंटरव्यू गाइडेंस भी आने वाला है और एजुकेटर्स का भी पर्सनल अटेंशन आपको मिलेगा आइकॉनिक में अब ये यार देखो अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करके मुझे फॉलो कर लेना ये मेरी अनअकेडमी प्रोफाइल है ताकि जब जब मैं अन अकेडमी पर लाइव आता हूं तब तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरा लेक्चर अटेंड कर पाए और ये है हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल बट अदर देन दिस इसके अलावा मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो ये है ठीक है तो आपको यहां पे मेरे सारे लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर चीज मिलेगी मेरे खुद के टेलीग्राम चैनल पे और ये हमारे अदर चैनल मकैनिकल सिविल और ये तेलुगुसी जेई कंप्यूटर साइंस गेट क्वेश्चन जंक्शन पाठशाला जीएस टर्मिनल ये जो बेटा दो चैनल है ना ये आपके एस एस सी जेई के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए है, ये है। यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया टॉपिक कवर्ड है जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा ओपैम मिलेगा नेटवर्क में एक्टिव रिएक्टिव पावर मिलेगा पाठशाला पे मिलेगा बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट आपको तो जो जो चैनल आपको इसमें से पसंद आए बेटा सब्सक्राइब जरूर करना और इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है हर वीडियो को लाइक like करना है शेयर करना है और घंटी भी बजा देना ताकि जब जब हमारी टीम में से कोई भी लाइव आता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए यार सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड यू ऑल हैव लर्न समथिंग न्यू तो मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय